और अब हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं उसे लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत सूचना के प्रचार प्रसार के आरोप लगाए जा रहे हैं और कई लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर सच क्या है। ये खबर फोन हैकिंग वाली उस न्यूज से जुड़ी हुई है जो हमने आपको शनिवार को सत्ता में दिखाई थी। सरकार की एक चेतावनी की खबर दिखाते हुए हमने आपको दो नंबर बताए थे और कहा था कि इन नंबर्स के आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके मोबाइल के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कहीं आपके मोबाइल पर कोई अनचाहा कब्जा तो नहीं हो गया है। हमारी ये खबर पूरे देश में वायरल हो गई, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस जानकारी के लिए हमें धन्यवाद किया, कई फोन कॉल आए, हमसे जानकारी मांगी गई, लेकिन न्यूज मित्रों की जिज्ञासा से उलट कुछ लोगों ने अधूरे ज्ञान को गलत संदर्भों से जोड़कर आरोप लगाने शुरू कर दिए और एक कंफ्यूजन फैला दिया। उनका दावा है कि जो स्पेशल नंबर हमने आपको बताए थे उनसे इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि आपके फोन में किसी अनजान शख्स की एंट्री हो गई है। आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक टेक कुंजी तैयार की है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ आज बाकायदा टेक और आईटी एक्सपर्ट संदीप बुदकी भी मौजूद रहेंगे जो इस खबर पर फैलाए जा रहे हर भ्रम को दूर करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि सत्ता में जो दो नंबर हमने आपको दिखाए वो आपके लिए कितने काम के हो सकते हैं और आपके फोन को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। आपके फोन में सेव की गई निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो हम पहले आपको वो दो नंबर दिखाना चाहते हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने आपको जो पहला नंबर बताया था वो था *#21#, जो एक तरीके का इंटरोगेशन कोड है। जब आप इस नंबर को अपने मोबाइल पर डायल करेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉल, तस्वीर, वीडियो या फिर दूसरी निजी जानकारी किसी अनजान शख्स के पास फॉरवर्ड तो नहीं हो रही है। यानी ये नंबर एक तरीके से ये जानने का पहला स्टेज है कि आपके फोन में किसी बाहरी और अजनबी शख्स का अतिक्रमण तो नहीं हो गया। इसके अलावा हमने आपको एक और नंबर बताया था जो है ##002#, मोबाइल पर यह डायल करने से फॉरवर्डिंग को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। यानी आपकी अनुमति के बगैर किसी ने आपके फोन के साथ छेड़छाड़ की है, आपके फोन की निजी जानकारियों को हासिल कर रहा है वो, तो इस नंबर के जरिए उसके इस जाल को तोड़ा जा सकता है और फोन के एरर को डिलीट किया जा सकता है। तो अब हम आपको जल्दी से *#21# पर सत्ता के सवाल जवाब वाली एक टेक कुंजी भी दिखा देते हैं जिससे उन लोगों का भी भ्रम खत्म हो जाएगा जो इस नंबर को लेकर हमारे ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन देने के आरोप लगा रहे हैं। *#21# नंबर क्या है? ये एक तरीके का इंटरोगेशन कोड है। इंटरोगेशन कोड से क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि आपकी मोबाइल कॉल, आपके फोन में मौजूद इमेज, वीडियो या फिर आपकी दूसरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं कर रही। इस नंबर को डायल करने के बाद अगर आपके प्राप्त संदेश में कॉल मैसेज के आगे नॉट फॉरवर्डेड लिखा है तो आपका मोबाइल सुरक्षित है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा ऑन ना करने के बावजूद इसके आगे फॉरवर्डेड लिखा हुआ है तो यह आपके मोबाइल फोन में अनचाहे कब्जे का पहला संकेत हो सकता है। आपका फोन खतरे में हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि आपकी परमिशन के बिना कोई आपकी निजी और संवेदनशील जानकारी हासिल कर रहा हो। हालांकि कुछ लोग कभी कभी खुद फोन की सेटिंग में जाकर कॉल या मैसेज में फॉरवर्ड का ऑप्शन लेते हैं, अगर ऐसा है तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। तो कोड *#21# से फोन की सिक्योरिटी iOS के साथ साथ एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप प्राथमिक स्तर का प्रयास कह सकते हैं जिसे फोन पर अनचाहे कब्जे को शक दूर किया जा सकता है, जिससे फोन हैकिंग के कई आधुनिक टूल होते हैं जो इस सेटिंग को भी पार कर जाते हैं। यानी इंटरोगेशन कोड डायल करने पर सब कुछ सही आ रहा हो तब भी फोन हो सकता है हैक हो सकता है। लेकिन अमूमन ऐसे हाईटेक टूल सामान्य अपराधी इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा लोगों की लापरवाही का फायदा उठाते हैं। इसलिए ये कोड एक प्राथमिक प्रयास है और कई मामलों में ये प्राथमिक उपचार भी बन सकता है। इसे सिर्फ फॉरवर्डिंग कोड कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए संदीप जी हैं। संदीप जी आइए और जरा ये जो कंफ्यूजन कुछ लोगों ने फैला दिया है इस बात को लेकर के, खासतौर से ये जो कोड है जी, इस कोड को लेकर के चर्चाएं तो होती रहती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस कोड को यहाँ डायल करके थोड़ा सा लोगों को बताएं और समझाएं। आप डायल करिए और मैं साथ में समझाता हूँ जब तक ये डायल कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। देखिए, आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आप घर के आगे ताला लगाते हैं ताकि कोई आपके घर में ना घुस जाए। लेकिन कभी कभी आप गए और अचानक से दिमाग में आता है कि यार मैं एक बार चेक कर लूं कि घर में ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा है। आप क्या करते हैं? आप अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, भाई यार एक बार गेट चेक कर लेना, ताला सही सलामत है, तोड़ वोड़ तो नहीं दिया है।
ये जो कोड अभी डायल कर रहा है ये एक्चुअली ये काम कर रहा है, ये आपके फोन में चेक कर रहा है कि कहीं आपका ताला तो नहीं टूटा। और यहाँ ताला संदर्भ क्या है, यहाँ पर है कि आपके फोन में किसी ने कॉल फॉरवर्ड तो नहीं लगा के रखी है आपकी अनुमति के बगैर। क्योंकि जब आप इसको डायल करेंगे, जैसे कि आप अभी दिखा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि फोन में फॉरवर्ड है कि नहीं है। और अगर आपने खुद ही लगा के रखा है तो आपके पास लिस्ट में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशनली, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, सिंग नॉट फॉरवर्डेड, यानी कि घर का ताला एकदम दुरुस्त है और कोई इसमें सेंध नहीं लगा सकता है। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है सिक्योरिटी के लिए? इसके अलावा भी हमें काम करने हैं। ये पहला स्टेप है जो आपके पड़ोसी ने आपको हेल्प कर दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में एक शॉर्ट कोड नंबर है। संदीप जी, अगर यहाँ कॉल फॉरवर्डेड लिखा हो, वॉइस फॉरवर्डेड लिखा हो और सिंक भी फॉरवर्डेड लिखा हो, तब क्या खतरा है? तब खतरा ये है कि यानी कि अगर आपको याद नहीं है कि आपने खुद फॉरवर्ड लगाया है, तो यानी कि किसी और ने आपके फोन पे कब्जा कर लिया, यानी कि इलीगल एंट्री ले चुका है आपके फोन में और वो उसको यूज कर सकता है किसी भी काम के लिए। जैसे कि अगर आपने अपना OTP चाहिए या पिन नंबर सेट कर रहे हैं, तो आपके पास कॉल आता है या SMS आता है, तो वो आपके फोन पे आने की बजाय अब दूसरे नंबर पे चले जाएगा जिसपे कॉल फॉरवर्डेड है, यानी कि आपके पास पिन नहीं आ रहा है, पिन कहीं और जा रहा है और आपके अकाउंट में भी एंट्री कर सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी अकाउंट पे जा सकते हैं, आपके ईमेल तक स्कैन हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, ये कोड सही नहीं है, वो लोग गलत जानकारी लोगों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी अगर आपके पास दी गई और खासकर अगर मेनस्ट्रीम मीडिया दे रहा है आपके पास, इनका इतना दायित्व होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ बिना जांचे परखे फॉरवर्ड नहीं की जाए। और ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये इवन गवर्नमेंट ने भी अपने डिफरेंट वेबसाइट्स में भी, अब की बात नहीं है, पिछले 1-2 सालों से ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये नंबर से आप चेक कर सकते हैं। इवन ऑपरेटर्स हैं जैसे कि Jio हो गए, Airtel हो गए, वो भी बताते हैं, अगर आप उनके FAQ सेक्शंस में जाएंगे जहां पर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर भी ये सब शॉर्ट कोड्स आपको नजर आते हैं और वो भी कहते हैं कि आप इन पे डेटा देख सकते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग है कि नहीं है, ताकि आपके दिमाग में जो शांति रहनी चाहिए कि आपका फोन किसी ने गलत तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जो हम दूसरा कोड बताने की कोशिश करेंगे कि उस कोड के जरिए क्या हम इस जो अगर किसी ने अंदर कब्जा पहुंचा दिया है, तो मैं एक बार उसको डायल करने की कोशिश करता हूं, बताता हूं एक बार जी। #00002#। अब एक कोड ये हमने और बताया था, और इसको बताया कि जब हम इसको डायल करेंगे तो अगर किसी ने वहां एक्सेस की हुई है, कब्जा किया है, तो इसके जरिए उसको खत्म किया जा सकता है। देखिए लिख कर आ गया, कॉल फॉरवर्डिंग ऑल इरेज सक्सेसफुल। परफेक्ट। अब इसको हमने घर के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, तो इसमें घर के एग्जाम्पल में वापस देते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और एक एक स्विच ऑफ कर रहे हैं लाइट का कि कोई रूम में लाइट ऑन ना रह जाए, लेकिन फिर भी आशंका रहती है शायद गलती से शायद गीजर का स्विच ऑन रह जाए। आप मास्टर स्विच बोर्ड में जाते हैं, वहां पर MCB होती है जो पूरे घर की होती है, उसका ट्रिप डाउन कर देते हैं, किसी भी रूम में लाइट नहीं आएगी, ये मास्टर MCB का स्विच है। अगर बाई चांस आप नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और आपको भी याद नहीं आ रहा आपने नहीं किया है फॉरवर्ड, इसका इस्तेमाल कीजिए और जितनी भी कॉल फॉरवर्ड है उसको हटा दीजिए। लेकिन यहां पर नहीं रुकना है, क्योंकि अगर इलीगली कोई अंदर घुसा आपके फोन में, यानी कि कहीं ना कहीं तो चूक रह गई है जिसको और सुधारने की जरूरत है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि देखिए ये कोड काम नहीं करते हैं, संदीप जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और मुझे लगता है आप सबको अपने मोबाइल में जा करके इस कोड के जरिए पता लगाना चाहिए कि किसी ने आपके फोन में कब्जा तो नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। लेकिन ये बात कुछ उन लोगों के लिए भी खासतौर से जिन्होंने सत्ता की इस खबर को देखने के बाद कहा कि नहीं देखिए ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर किसी भी खबर को गलत बताना भी मिस इन्फॉर्मेशन है, और ऐसे लोगों को लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके किसी सही जानकारी को गलत नहीं करना चाहिए साबित, वरना इससे होता यह है कि लोग जागरूक होते, शायद उन्हें फ़ायदा मिलता और अब कुछ लोगों के बीच में वही मैसेज सर्कुलेट होंगे और वो बताएंगे कि देखिए इस खबर के बारे में तो फला ने ऐसी बात लिखी थी। लेकिन हमने आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बता दिया है, दो नंबर हमने आपको बताए हैं, *#21#, ये बताएगा अगर आप इसको डायल करेंगे कि आपके फ़ोन में किसी की एंट्री तो नहीं है, किसी ने कब्जा तो नहीं किया है, और दूसरा फिर बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको लिखा हुआ, यानी कॉल फॉरवर्डेड, वॉइस फॉरवर्डेड, तो आप तुरंत ##002# डायल करिए, वो सब कुछ इरेज हो जाएगा और आपका फोन सुरक्षित हो जाएगा।